नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न 4 है। बिंदुओं -3.10 और 6.-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1.6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका हमेशा बच्चों इन प्रश्नों में क्या करना, आप डायग्राम बनाकर देखोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए, ये दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है -3.10, ठीक है। दूसरा बिंदु है 6.-8। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु है, कोई और बिंदु है, मान लो ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसका नाम है P, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -1.6। हमसे पूछा गया यह बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में बांटता है। तो बच्चों आपने देखा होगा पिछले प्रश्नों में आपको ये दो अनुपात, ये दो निर्देशांक दिए होते थे और अनुपात दिया होता था, आपको कहा जाता था P के निर्देशांक निकालो। इस प्रश्न में आपको P के निर्देशांक दे दिए गए हैं और आपको बोला गया है यह अनुपात निकालो। तो इसको करने का तरीका बच्चों क्या है, देखिए हम इसमें लिखेंगे, मान लो बिंदु P AB को हमेशा जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो पहले अनुपात लेना है आपने K:1, इसके 1 ही होना चाहिए यहाँ पे इस, ठीक है। हमेशा ही आपने जब अनुपात ज्ञात करना है तो आपने लिखना है कि मान लेते हैं अनुपात है K:1। तो मान लो बिंदु P AB को K:1 में विभाजित करता है, ठीक है बेटा। ये अनुपात आ गया K:1। तो हम यहाँ लिख देंगे K और यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब विभाजन सूत्र के अनुसार जो बिंदु P के निर्देशांक होने चाहिए -1.6, ये किसके बराबर होने चाहिए। तो विभाजन सूत्र लगाओ, विभाजन सूत्र था एक्स वाई किसके बराबर होता है, m1 है k इंटू x2 है 6 प्लस m2 है 1 इंटू x1 जो कि है -3 बटा m1 प्लस m2, m1 है k, m2 है 1। इसी प्रकार से y के निर्देशांक होते हैं m1 इंटू y2, k इंटू y2 है -8 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है 10 बटा m1 प्लस m2 जो कि है k और 1। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसे हम एक बार आगे हल करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आ गया -1.6, यह बराबर होगा 6 इंटू के होगा 6k प्लस इंटू -3 बटा K+1 कोमा, ये हो जाएगा -8 इंटू के होगा -8k प्लस 10 बटा K+1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मिलाकर देखेंगे, इनको मैच करके देखेंगे। एक्स वाई के निर्देशांक ये हैं, ये भी इसी के निर्देशांक हैं, इसका मतलब ये जो इसका एक्स का निर्देशांक है ये इसके बराबर होना चाहिए और वाई का निर्देशांक इसके बराबर होना चाहिए। समझे बच्चों, एक्स वाला निर्देशांक इसके बराबर होगा, y वाला निर्देशांक इसके बराबर होगा, हम इनमें से किसी को भी बराबर रख लेते हैं। ये -1 x का निर्देशांक और यहाँ से x का निर्देशांक क्या है, 6K-3 बटा K+1। इनको बराबर रखने से क्या होगा, हमें k का मान प्राप्त होगा। देखिए कैसे,
ये k प्लस वन इस पूरे के साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुना होगा, किससे गुना होगा, माइनस एक से, तो माइनस एक से k गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक के, माइनस एक से प्लस वन गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस वन बराबर छः के माइनस तीन। अब हम क्या करेंगे, k वाली रकमें एक तरफ ले आएंगे, माइनस एक के ये छः के बराबर से आगे प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बिना के वाली रकमों को बराबर के आगे ले जाओ, यहाँ पहले से माइनस तीन है, ये माइनस एक है, जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस एक हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो हमें के का मान ज्ञात होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, एक और छः सात, सात के साथ में माइनस का निशान बराबर माइनस तीन प्लस एक, माइनस प्लस माइनस, तीन में से एक गया दो, साइन बड़ी रकम का माइनस जो कि है माइनस दो। अब माइनस से माइनस को काट देते हैं, k बराबर दो सात, यहाँ k के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग, ठीक है बच्चों, k के नीचे कुछ नहीं है यानी एक है, इसका मतलब k रेशियो वन किसके बराबर आ गया, दो रेशियो सात के बराबर, और k रेशियो वन क्या था, अनुपात था जो हमें चाहिए था, हमें क्या निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो k रेशियो वन ही तो अनुपात था, इसका मतलब अनुपात आ गया दो रेशियो सात, और यही अनुपात हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि विभाजन सूत्र के बिल्कुल उलट, विभाजन सूत्र में हमें अनुपात दिया है, पी का निर्देशांक निकालने थे, इस प्रश्न में हमें पी के निर्देशांक दिए थे, हमें अनुपात निकालने को बोला गया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमेशा ही बच्चा जब भी अनुपात निकालना है तो आपने अनुपात को लेना है के रेशियो वन, उसी हिसाब से हमने विभाजन सूत्र में रखा, और फिर यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ पर पी के ही निर्देशांक है माइनस एक कोमा छः, और यहाँ पर पी के निर्देशांक है छः के माइनस तीन बटा के प्लस वन, और माइनस आठ के प्लस दस बटा के प्लस वन, तो हमने क्या किया, इसमें से x वाले निर्देशांक को बराबर, आप y वालों को जो आपको आसान लगे ना वो देखो, ये 1 वाली रकम आसान थी इसीलिए मैंने माइनस वन लिया, और इधर से x वाले निर्देशांक 6k माइनस तीन बटा के प्लस वन लिया, इसको इधर गुना किया, इसको आगे हल किया, तो हमारे पास k की वैल्यू आई, k की वैल्यू का मतलब है k बटा वन की वैल्यू, और k बटा वन होता है k रेशियो वन, तो आया दो रेशियो सात, और यही हमारा अनुपात था। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, यदि इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर बाकी प्रश्नों के हल देखिए और उन्हें समझिए। धन्यवाद।